क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मूवीज में या फिर किसी भी वीडियो में अगर हीरो या हीरोइन का हार्ट अटैक आता है तो वो अपना कंधा क्यों पकड़ता है? सो वेलकम टू साइंस मेड अगोजिक्स, साइंस मेड इजियर। आज हम हमारी बॉडी के बारे में जानेंगे एंड हमारा टॉपिक है रेफर्ड पेन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्यों कुछ डिजीज जैसे हार्ट अटैक आता है तो कंधे में दर्द होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जो है नर्व्स। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं। नर्व्स का काम होता है हमारी बॉडी से सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना। इसका मतलब हम कोई भी चीज़ छूते हैं, हम अपना हाथ हिला सकते हैं, हमें कहीं दर्द होता है या कोई भी चीज़, जैसे हम चलते हैं, हम देखते हैं, इन सब का काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्व्स करती है हमारी बॉडी में। हम छूते हैं तो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को पता चल जाता है हमने क्या छुआ है। हम देखते हैं तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है हमने क्या देखा है, वो सब नर्व्स करती है। अब रेफर्ड पेन का कंसेप्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक नस जो है एक ही ऑर्गन को या हमारे एक ही बॉडी के हिस्से को सप्लाई करे। कई बार एक ही नर्व जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों को सप्लाई करती है, डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों से सेंसेशंस लेती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की स्किन है तो स्किन में अलग अलग नर्व्स है, लेकिन यही नर्व्स हमारी हार्ट को और हमारे शोल्डर को सप्लाई करती है, वो एक होती है। इनफैक्ट जो डैमेज हो सकता है कि आपके शोल्डर को हो, उसकी सेंसेशन हार्ट को बचाए और जो हार्ट में पेन है वो शोल्डर में रिफ्लेक्ट हो। इस कंसेप्ट को रेफर्ड पेन कहते हैं। और ये किस कारण से होता है? क्योंकि एक ही नर्व हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से को सप्लाई कर रही है और उससे सेंसेशन ले रही है, उससे इम्पल्स ले रही है। अब रेफर्ड पेन के कंसेप्ट को अगर हार्ट अटैक पे हम अप्लाई किए करें तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स है और शोल्डर को, हमारे कंधे को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स है, स्पेशली लेफ्ट शोल्डर, वो एक होती है। इसीलिए जब भी कभी हार्ट अटैक आता है तो उसका दर्द हमें हमारे लेफ्ट कंधे में फील होता है। ना सिर्फ लेफ्ट कंधे में बल्कि और भी कई जगहें हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। जैसे कि लेफ्ट शोल्डर और हमारा जॉ, हमारा नीचे का जबड़ा जिससे हम खाना चबाते हैं, या फिर हमारी गर्दन, गर्दन के पीछे का हिस्सा नेक, या फिर हो सकता है कि जब हार्ट अटैक आए तो हमारी कमर में दर्द हो। ये सब इसलिए क्योंकि हार्ट को सप्लाई करने वाली नर्व्स और हमारे कंधे, गर्दन, निचला जबड़ा और कमर को सप्लाई करने वाली नर्व्स सारी एक हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रेफर्ड पेन कि हार्ट अटैक इन सभी जगहों पे भी फील होता है। एंड यही रीज़न है कि मूवीज़ में हीरो को जब हार्ट अटैक आता है तो वो अपने लेफ्ट कंधे को पकड़ता है और नीचे गिर जाता है। एक और बात ये सीखने की है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक आया, जिसको साइलेंट अटैक कहते हैं, पर उन कंडीशंस में भी इन जगहों पर जो है दर्द दिखाई देता है। सो नाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि हार्ट अटैक आने पे जो टिपिकल पेन है वो रेड कलर से मार्क्ड रीजन्स में फील होता है। एंड इसीलिए हीरो को हमेशा हार्ट अटैक कंधे में आता है, दिल में नहीं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू। कीप योर नॉलेज अपडेटेड अबाउट योर बॉडी।